तो 16 मई से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में कुछ सख्त गाइडलाइन राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। ई पास अनिवार्य कर दिया गया है, पर जो कहीं ना कहीं तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफी अलग हैं। कैसे तो समझो इस रिपोर्ट के जरिए। सरकार ने कोरोना संक्रमण पर काबू करने को लेकर राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की, पर कोरोना के आंकड़े फिर भी बेकाबू दिखे। सरकार ने लोगों को घरों में समेटा, पर यह भी ध्यान रखा गया कि अति आवश्यक कार्यों पर असर न पड़े। ऐसे में राज्य में ई पास की व्यवस्था की शुरुआत की गई। लेकिन सब तो अपने अपने काम से ही निकल रहे हैं, बिना काम का तो कोई निकल नहीं रहा है। ज्यादातर तो जिनके पास पास है लगभग, और जो जरूरत जहाँ उनको जाना है बस उसी तहत के लिए अपनी बाहर निकल गए। हम आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि आखिर ई पास की रियलिटी क्या है। शुरुआत में ई पास बनाने में कठिनाइयां आ रही थी, लोग सड़कों पर कम दिख रहे थे, पर जैसे ही ई पास के लिए 3 अलग अलग सर्वर्स बनाए गए, लोगों को जैसे छूट ही मिल गई। आप तस्वीरों में देखेंगे सड़कों पर रोजाना से अधिक भीड़ नजर आने लगी। हालांकि इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि सुरक्षाकर्मी कहते हैं कि भीड़ घटी है। अभी तक तो ऐसे जो भी मिले हैं मेडिकल स्टाफ, बैंक का स्टाफ, जो अभी वापस आ रहे ड्यूटी से, वही सब भर्ती में अभी तक पैसे मिले हैं। जिनके पास ई पास नहीं है तो उनको बनाने का दी, उनको बना लिया जाए, ई पास बना ले। ई पास सहूलियत से बन जाने के कारण लोग ई पास बनाकर बेवजह सड़क पर घूमते भी नजर आए। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि कहीं ये कदम सारी व्यवस्था को मटिया मेट न कर दे, क्योंकि पिछले 1 सालों से हमारी छोटी छोटी लापरवाही ने ही कोरोना को दोबारा से भारत में न्योता दे दिया। ई पास का अधिक बनने से आपने देखा कि अभी कई कह सकते हैं 4-व्हीलर हो 2-व्हीलर हो, बनने से अधिक लोग निकल रहे हैं, बेवजह भी निकल रहे हैं, क्योंकि काम हो तो, अगर मेडिकल संबंधित काम हो तो आप निकले, लेकिन ई पास आसानी से बन जाने के कारण आप कह सकते कई लोग बेवजह निकल नहीं निकले। ये लाइफ सेवन के लिए से गुजारिश भी है कि आप कोरोना संक्रमित अगर आपको चेन को तोड़ना होगा तो आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। कैमरा सहयोगी अरुण के साथ मनीषा, लाइव 7 रांची।